WWE में ऐसे कई सारे ड्रीम मैचेस हैं जो कभी नहीं होने वाले। ब्रेट हार्ट वर्सेस ब्रायन डेनियलसन का मैच और शॉन माइकल्स वर्सेस एजे स्टाइल्स जैसे ड्रीम मैचेस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इन रेसलर्स में से कोई एक रिटायर हो चुका है, और अगर उन्होंने वो रिटायरमेंट किसी इंजरी की वजह से ली है तो इस तरह के मैचेस होना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन 2022 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वापसी से ऐसा लग रहा है कि हमने जिन मैचेस के होने की उम्मीद छोड़ दी थी वो मैचेस हो तो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, और हो सकते हैं अगर दोनों पक्ष के रेसलर्स उस मैच के लिए तैयार हो जाएं तो, और WWE इस तरह के मैच के लिए एक अच्छा क्रिएटिव स्टोरी लाइन बना पाए तो। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम बात करेंगे WWE के 10 बड़े ड्रीम मैचेस की जो अभी भी हो सकता है। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, CM Punk वर्सेस रोमन रेंस। दुख की बात है कि AEW में CM Punk का रन वैसा नहीं रहा जैसा पंक, AEW और उनके फैंस को उम्मीद थी। AEW के पंक के रिलीज के बाद से ऐसी अफवाह चल रही है कि वो शायद WWE में वापस आ सकते हैं। ये तो सभी को पता है कि 2014 में CM Punk WWE से खराब टर्म्स पर निकले थे, इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि WWE पंक को वापस आने देगी या नहीं। लेकिन इससे भी अजीब चीजें हुई हैं। 2023 में पंक रॉ के एक शो के दौरान बैकस्टेज में दिखे थे, और ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने द मिस जैसे कुछ रेसलर्स के साथ बातचीत करी थी, जो कि एक अच्छी बात है। अगर पंक सच में WWE में वापस आते हैं तो फैंस उनको बहुत सारे ड्रीम मैचेस में देखना पसंद करेंगे। इनमें से एक होगा रोमन रेंस के साथ एक शोडाउन। पंक और रोमन रेंस का मैच देखने में और भी शानदार रहेगा अगर WWE पॉल हेमन को एक बिछौलिया की तरह इस्तेमाल करे तो, क्योंकि भले ही पॉल फिलहाल रेंस के एडवोकेट हैं, लेकिन CM Punk के साथ भी उनका एक बड़ा और दिलचस्प इतिहास रहा है। नंबर 9, रिया रिप्ली वर्सेस बेथ फीनिक्स। हालांकि WWE की हॉल ऑफ फेमर रह चुकी बेथ फीनिक्स काफी लंबे समय से रिटायर हैं, लेकिन वो अमूमन WWE टीवी पर दिखाई देती हैं। फीनिक्स कई बार इस तरह मैचेस करती हुई भी नजर आई हैं, और फैंस को हमेशा ही उनके मैचेस बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि वो हर बार ये साबित कर देती हैं कि वो अभी भी इस नए रोस्टर की बराबरी कर सकती हैं। एक ऐसा ही मैच जिसका फैंस को उत्सुकता से इंतजार है वो है फीनिक्स और रिया रिप्ली का एक सिंगल्स मैच। ये दोनों रेसलर साथ में एक मिक्स्ड पर्सन टैग मैच में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन फैंस को इनका सिंगल्स मैच देखने की उम्मीद है। ऐसा ना करने की कोई वजह फिलहाल नहीं दिख रही है, और WWE टीवी पर ट्रिश स्ट्रैटस के हाल के रन के सक्सेस के बाद WWE को ऐसे ही और आइकॉनिक फीमेल रेसलर्स के नए रोस्टर के रेसलर्स के साथ प्रोग्राम्स कराने चाहिए। नंबर 8, रे मिस्टीरियो वर्सेस रिकोशे। इमेजिन करिए दो सबसे महान हाई फ्लायर रेसलर्स को एक सिंगल्स मैच में लड़ते हुए। रे मिस्टीरियो और रिकोशे एक ऐसा रेसलमेनिया मैच है जिसका सभी को इंतजार है, और मल्टीमैन मैचेस में इन दोनों रेसलर्स का एक्शन काफी कमाल का रहा है। इन दोनों का कभी कोई वन ऑन वन मैच नहीं हुआ है, और इसकी वजह ये हो सकती है कि दोनों ही रेसलर्स WWE के टॉप बेबी फेस हैं, और इसीलिए कंपनी इनका एक साथ मैच नहीं कराना चाहती ताकि फैंस की नजरों में इन दोनों में से किसी एक की इज्जत कम ना हो जाए। लेकिन हो सकता है इनमें से कोई हील बन जाए, या फिर WWE इन दोनों का बेबी फेसेस के तौर पर ही एक रिस्पेक्ट मैच बुक कर दे। अब WWE के इस मैच को कराने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन वो मिस्टीरियो के रिटायरमेंट लेने से पहले ही हो जाना चाहिए। नंबर 7, द यंग बक्स वर्सेस द यूसोस। कुछ साल पहले तक ये नामुमकिन लगता था कि AEW के एग्जीक्यूटिव्स AEW को छोड़कर WWE में आएंगे, लेकिन 2022 में जब कोडी रोड्स ने ऐसा किया तो ऐसा लगने लगा कि कुछ भी मुमकिन है। द यंग बक्स और द यूसोस का एक मैच पिछले 10 सालों से ड्रीम मैच बना हुआ है, और दोनों ही टीम्स ने इस मैच में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। द बक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि वो एक मैच में सबसे ज्यादा सुपर किक्स का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं। जाहिर है कि ये मैच तभी हो सकता है जब ये दोनों टीम एक ही कंपनी में काम करेंगे, और रेसलिंग इंडस्ट्री के मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि द यंग बक्स की WWE में आने की उम्मीद द यूसोस की AEW में जाने से कई ज्यादा है। नंबर 6, CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस। अगर CM Punk WWE में वापस आते हैं तो उनके ड्रीम ओपोनेंट्स में से एक सेथ रॉलिंस भी जरूर होंगे। रॉलिंस और पंक के बीच असली दुश्मनी होने की वजह से ये फ्यूड अपने आप में खास है, और रेसलिंग इंक के साथ एक इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने पंक के बारे में ये कहा था, ओ फिली फिल, दूर रहो, तुम बिल्कुल दूर रहो, हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। हाँ, मुझे फिल पसंद नहीं, वो पागल है, क्या हमें ये अभी पता चला है? यहाँ सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि अरे नहीं, क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, वो सच में पागल है, और ये हमें तब भी पता था और अब भी पता है। मुझे वो वापस नहीं चाहिए, जाकर कुछ और करो, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। ये फ्यूड सच में मजेदार हो सकता है, लेकिन क्या WWE इन दोनों रेसलर्स से ये उम्मीद कर सकती है कि मैच के दौरान दोनों प्रोफेशनल रहेंगे? रॉलिंस के लिए ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंक के साथ हमने AEW में भी देखा है कि वहां उनका बहुत सारे लोगों से झगड़ा हुआ था, तो क्या वो अपनी निजी दिक्कत को भूलकर एक अच्छा प्रो रेसलिंग मैच कर पाएंगे?
नंबर 5 द हार्डी बॉयज वर्सेस एज एंड क्रिश्चियन वर्सेस द डडली बॉयज द फाइनल एनकाउंटर। एटीट्यूड एरा के दौरान द हार्डी बॉयज एज और क्रिश्चियन और द डडली बॉयज को एक के बाद एक क्लासिक मैचेस में देखना उस एरा के सबसे यादगार पलों में शामिल था। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन शायद इन 6 रेसलर्स को एक फाइनल मैच में एक साथ देखना पक्के तौर पर उन फैंस के लिए ड्रीम मैच होगा जो एटीट्यूड एरा के समय से WWE देखते हैं। ऐसा होने की सबसे ज्यादा उम्मीद AEW में ही है, क्योंकि अब द हार्डी बॉयज और एज और क्रिश्चियन AEW में जा चुके हैं। और रही बात द डडलीज की, तो वो अब फ्री एजेंट्स हैं और कभी कभी इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काम करते हैं। इस मैच का एक TLC मैच होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक साधारण सा टैग टीम मैच भी पुराने दिनों को ताजा करने के लिए काफी होगा और ये अब तक के सबसे एपिक फ्यूड्स में से एक फ्यूड को एक आखिरी बार स्पॉटलाइट देगा। नंबर 4 रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। जब कोडी रोड्स 2022 में WWE में वापस आए, तब फैंस उनका पहला फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ देखना चाहते थे। रैंडी और रोड्स का इतिहास काफी लंबा है, क्योंकि ये दोनों साथ में लेगेसी फैक्शन का हिस्सा थे। और हालांकि ये दोनों पहले भी मैचेस कर चुके हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में रोड्स एक बिल्कुल अलग रेसलर थे। इन दोनों के बीच इतनी पुरानी और लंबी कहानी है, जिससे WWE कई बार इनका मैच करवा कर एक फ्यूड तैयार कर सकता है। और कुछ फैन तो इस फ्यूड को रेसलमेनिया के लायक शोडाउन भी मानते हैं। नंबर 3 गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मेन रोस्टर और आने के बाद से ही फैंस गंथर और ब्रॉक लेसनर के एक ड्रीम मैच की उम्मीद करने लगे। इन दोनों ही रेसलर्स के लगभग एक जैसे इन रिंग एक्शंस की वजह से फैंस को लगता है कि इन दोनों का एक मैच सच में शानदार हो सकता है। और जब फैंस को ये समझ आया कि गंथर को रोस्टर में सबसे ऊपर के पोजीशन तक पुश किया जाएगा, तब से उनकी दिलचस्पी और बढ़ चुकी है। दोनों रेसलर्स ने भी इस मैच में अपना इंटरेस्ट दिखाया और ब्रॉक लेसनर के लिए ये बहुत रेयर बात है, क्योंकि वो प्रो रेसलिंग के बारे में अपने ओपिनियन की ज्यादा बात नहीं करते। और इसीलिए ये साफ है कि लेसनर गंथर के काम के एक बड़े फैन हैं। 2023 के रंबल मैच में इन दोनों का एक शोडाउन भी हुआ था, जिसको फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और बहुत लोगों का मानना है कि WWE ने ऐसा ये जानने के लिए किया था कि फैंस को गंथर वर्सेस लेसनर का ये प्रोग्राम कैसा लगेगा। अब सवाल बस इतना रह गया है कि इन दोनों का मैच कब होगा, और ऐसा रेसलमेनिया या समर स्लैम जैसे किसी बड़े इवेंट में होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। नंबर 2 रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। रेसलमेनिया 39 के दौरान ऐसा लग रहा था कि WWE इस बार तो रोमन रेंस और द रॉक के बीच एक ड्रीम मैच जरूर बुक करेगा। ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी कि WWE द रॉक को एक मैच के लिए लॉक करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और WWE को साल के सबसे बड़े इवेंट के लिए अपना प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ा। द रॉक ने बताया है कि वो रेसलमेनिया 40 में रेंस के साथ एक मैच करने के लिए तैयार हैं, और अगर ये मैच हुआ तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि द रॉक की उम्र अब बढ़ती जा रही है और अपने एक्टिंग के काम की वजह से वो साल में कुछ ही दिनों के लिए फ्री रहते हैं। WWE के लिए ये मैच बहुत सारा पैसा बनाएगी और ये बहुत हैरानी की बात होगी अगर ये मैच WWE के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैच नहीं बना तो। नंबर 1 CM Punk वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। 2022 में ये एक बड़ा सरप्राइज था जब ऑस्टिन अपनी रिटायरमेंट से वापस आ गए। ऑस्टिन 2003 में अपने गर्दन की दिक्कतों की वजह से रिटायर हुए। कैसा ही ड्रीम मैच जिसमें फैंस हमेशा से ऑस्टिन को देखना चाहते हैं, वो है CM Punk के साथ उनका मुकाबला। इन दोनों के किरदार कई मायनों में एक जैसे हैं, जैसे कि एंटी ऑथोरिटिव होना, और इनका एक मैच कराना सच में एक अच्छा आइडिया होगा। इन दोनों के इस ड्रीम मैच की उम्मीदें 2012 में बढ़ गई थी, जब इन्होंने जिम रॉस के इंटरव्यू में WWE 2K वीडियो गेम को प्रमोट करने के लिए साथ में हिस्सा लिया था। वो सेगमेंट बहुत जबरदस्त था और उस वक्त WWE के बाकी सभी प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे थे। अगर WWE पंक को वापस लाने में कामयाब रही और ऑस्टिन एक और मैच करना चाहे, तो पंक वर्सेस ऑस्टिन मैच होना तो तय है, और ये फैंस को कुछ ऐसी यादें देगा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 सबसे बड़े ड्रीम मैचेस जो अभी भी WWE में हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।